पद्म पुराण के पताल खंड में सीता का अपवाद करने वाले धोबी के पुत्र जन्म के वृत्तांत में वात्स्यायन जी ने पूछा, स्वामी जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे, इसका रहस्य बताइए। तो शेष जी ने हम मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे, उनका नाम था शीर ध्वज। एक बार वे यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, उसी समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के धसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी, वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे और समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जनक देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी का आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े की ऐसी बातें करके देख सीता ने सोचा कि दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई, लाकर उन्हें सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें इसकी जानकारी कैसे हुई, इस सारी बातों के जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। तो सीता जी के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण का नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है, उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्मों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का क्लेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है, बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्य श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे, देवांगनाएं भी उनके उत्तम कथा का गान करेंगी। श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे, उसमें वहां एक कैसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे, ये तथा और भी बहुत सी बातें वहां रहते समय हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दूल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, तब मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर
शुकी मन ही मन जानगी कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वे सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासका ऊंची पतली और मनोहार नहीं होंगी, दोनों भुवें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी, भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होंगी, गला शंख के समान शोभित और छोटा होगा, वक्षस्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा, सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, उनकी भक्तजन आराधना करेंगे, श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूं, जिनके 100 मुख हैं वे भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो। उनका बल और प्रकरण महान है, वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहां तक वर्णन करूं, वे सब प्रकार के ऐश्वर्य में गुणों से युक्त हैं, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी जी धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो। पक्षियों की बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती ही बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रही हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूं। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहां आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन को लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। ये सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सरता विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहां आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो शोभने, ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है, जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोता के ऐसे कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। ये सुनकर पक्षी दुखी हो गया, उसने कर्णयुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वे सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से विलग होना पड़ेगा। यो कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग कर दिया।
इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान जी के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में बढ़कर इसे पति का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ, जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का प्रत्याग करता है, वे द्विजों में श्रेष्ठ क्यों ना हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विच्छोभ कराने में कारण हुआ और इसी से वे वन में गई। विप्रवार, विदेह नंदिनी, सीता के संबंध में तुमने जो बात पूछी थी वे कहती, अब फिर आगे का वृत्तांत कहता हूँ।